नो लक्ष्मण क्वेश्चन बेटा, ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि जेई कभी पूछेगा नहीं, तो इसको रिपीट करना बेकार है। अरे सर बताओ तो, अरे जब जेई में क्वेश्चन इस क्वेश्चन के पीछे क्यों पड़े? लक्ष्मण बता देंगे, नहीं बता देंगे, इस क्वेश्चन बता दिया जाएगा, टेंशन ना लें। लेकिन इस क्वेश्चन को बताया जाएगा तब, तब जब जब क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है सर, मैंने सोचा आप बोल रहे हो प्रवीण पांडे जैसा स्ट्रगल करना है हमको, मेरे जैसे स्ट्रगल नहीं, नहीं मेरे से ज्यादा स्ट्रगल कीजिए, मैंने कोई जिंदगी में स्ट्रगल नहीं किया है। स्ट्रगल पढ़ाई को अगर स्ट्रगल बोलते हो तो बेटा बेवकूफी है, पढ़ाई इज नॉट स्ट्रगल। हमारे टीचर तो बोलते हैं स्ट्रगल है ना पढ़ाई। यस सर, तो ठीक है आप वही स्ट्रगल कर लो। चलिए जी करें क्लास को शुरू अभी। यस सर, तो दो चार बच्चे बोल रहे हैं, बाकी के बच्चे सो गए हैं। बेटा मैंने स्ट्रगल नहीं किया, मैंने पढ़ाई किया है। वही ना आप सेंस को समझो कि मैं किससे कंपेयर किया अपने स्ट्रगल को। पढ़ाई के लिए जो एफर्ट्स होते हैं उनको स्ट्रगल बोल सकते हैं? नहीं, उनको भी नहीं बोल सकते हम स्ट्रगल बिल्कुल नहीं करेंगे। बाकी मतलब पढ़ाई करने के बाद जो नौकरी ढूंढना होता है, स्ट्रगल का डेफिनेशन अलग अलग सेंस में अलग अलग हो सकता है। लेकिन मेरे सेंस में स्ट्रगल वो होता है कि जिस चीज को आपकी नीड है, लग रहा है कि आपको सर वो मेरे को ये चीज चाहिए था लेकिन मेरे पास नहीं है और ना ही मैं उसको परचेज कर सकता हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगाकर मांग करके उधार लेकर के उसको अपने लिए यूज कर रहा हूँ, तो वो सब स्ट्रगल में आते हैं। मैंने घर पे गया, मैंने बोला बेटा पापा मेरे को पेन चाहिए, पापा ने 500 का पेन दिया और मैं बोलूँ कि मैं पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहा हूँ, स्ट्रगल है? क्यों हुआ ना कि मैं घर पे पेन मांगू और पापा के पास पैसा ही नहीं है पेन खरीदने के लिए, फिर भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, वो स्ट्रगल है। पढ़ाई इज नॉट अ स्ट्रगल, पढ़ाई जो चीज है बेटा वो कुछ नहीं है, बस पढ़ाई पढ़ाई है। पढ़ाई का कोई सिनोनिम्स नहीं है मेरे पास, बाकी जो दूसरे लोग दे सकते हैं आप उनसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी बेटा क्लास को करते हैं शुरू। अच्छा, जो भी बच्चे लेट ज्वाइन हुए उनका बहुत बढ़िया से स्वागत है हमारे क्लास में। फूल मालाओं के ये आप अपनी आदत कंटिन्यू रखेंगे तो शायद और अच्छा लगेगा ना, लेकिन फिर भी आप जो 10 मिनट लेट है ना ट्राई करो ये इंक्रीज करें, डे बाय डे इंक्रीज करें, और एक टाइम आए कि जब मैं बोलूं बेटा बब आए तो आपके क्लास में ज्वाइनिंग हो, तब और मजा आएगा ना। देन आई विल से कि हाँ ग्राफ आपका बढ़ रहा है, ज्वाइनिंग टाइम आपका बढ़ रहा है। स्वैग से सबका स्वागत, बिल्कुल। चलिए जी बेटा आज का लेक्चर है डिटरमिनेंट का, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये लेक्चर, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे। मैं अगर बोलूं कि जेई में सर कितना परसेंट आप गारंटी देते हो कि इससे क्वेश्चंस आएंगे, तो 95% गारंटी है कि इससे क्वेश्चंस आएंगे। सो अगर एक क्वेश्चन आ रहा है लक सही हुआ तो दो क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लेकिन मैं एक क्वेश्चन बोलूंगा कि अगर डिटरमिनेंट से सवाल आया तो 95% चांस है कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन से आएगा, अगर आया तो। कभी कभी क्या होता है ना कि डिटरमिनेंट से एक पूछता है, मैट्रिक्स से एक पूछता है, लेकिन समटाइम्स मैट्रिक्स से ही दो पूछ देता है, डिटरमिनेंट से एक नहीं पूछता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि डिटरमिनेंट से ही दो क्वेश्चन पूछ दिया। तो मैंने आपको बोला कि उस सिनेरियो की बात कर रहा हूं मैं जब डिटरमिनेंट से सवाल पूछा जाएगा तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन से पूछा जाएगा। हाँ जी, तो सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों बनता है? क्योंकि बेटा देखो ध्यान से समझिएगा, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अभी आप पढ़ रहे हो 12th में, आप जब जाओगे थोड़े से आगे जाओगे, आप इंजीनियरिंग करोगे या जो भी कोर्स करोगे, मैथ्स अगर आपका सब्जेक्ट होगा तो एक और आपको मैथ्स का पार्ट पढ़ने को मिलेगा जिसको बोलते हैं लिनियर अलजेब्रा, पहला चैप्टर सॉल्यूशन ऑफ लिनियर इक्वेशन ही होता है, तो ये आगे तक काम आने वाली चीज है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बच गया था तो उसको पहले करा देता हूँ, 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन ऑफ लिनियर इक्वेशन की ओर बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं सर आप बताइए, तो बहुत ही सिंपल है। लेकिन रिमार्क जरूर याद रखना कि रिजल्ट जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ ऑर्डर 3 के लिए वैलिड है। सर ऑर्डर 4 आ गया बेटा 4 नहीं पूछेगा, ऑर्डर 2 आ गया तो, अगर ऑर्डर 2 आया तो बेटा आपको डिटरमिनेंट्स जितने भी पॉसिबल डिटरमिनेंट्स होंगे वो आपको बना बना कर चेक करना पड़ेगा कि कौन सा मैक्सिमम आंसर दे रहा है। ठीक है,
हाँ जी सर बिल्कुल। अब सवाल ये कि सर आपने बोला है कि मिनिमम वैल्यू अगर फाइंड करने को आया तो मिनिमम वैल्यू इज नेगेटिव ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड किया जाएगा। बहुत आसान होता है बेटा सवाल। मैक्सिमम अगर मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि कुछ नंबर्स मैं आपको दे रहा हूं, लेट से कि ए है 0, 1, 2 और मैंने आपको बोला कि बेटा इन तीन डिजिट्स को यूज करके मुझे डिटरमिनेंट आपको बनाना है, बनाकर देना है। कंडीशन ये है कि थ्री ऑर्डर का डिटरमिनेंट होना चाहिए। तो सारे बच्चे जानते हैं कि सर थ्री ऑर्डर का डिटरमिनेंट मतलब सर 9 एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो नंबर रिपीट तो होंगे क्योंकि तीन आपने डिजिट दिया है और आपको सर 3x3 का डिटरमिनेंट चाहिए था, तो 9 डिजिट तो सर उसमें लगते हैं, तो हो सकता है कि रिपीट होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि सर देखो मैं एक डिटरमिनेंट बना के दिखा रहा हूं आपको और वो डिटरमिनेंट मैं कुछ ऐसा बना रहा हूं, मैंने डिटरमिनेंट बनाया 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, मैंने सर ये डिटरमिनेंट बना दिया। अब ऐसे कर करके तो बेटा आप बहुत सारे डिटरमिनेंट बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। कितने डिटरमिनेंट बना सकते हो वैसे आप? तो अगर एक इसको भरने के लिए तीन नंबर 3 डिजिट्स हैं आपके पास, इसको भी आप 3 तरीका से भर सकते हैं, इसको भी आप 3 तरीका से भर सकते हैं, तो हर जगह को भरने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। या तो आप 0 रखें, या तो आप 1 रखें, या तो आप 2 रखें, या तो 0 रखें, या तो 1 रखें, या तो 2 रखें। तो आप कई तरीका से रख सकते हैं। तो एक जगह को भरने के लिए 3 तरीका, तो 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 power 9 डिटरमिनेंट्स बनेंगे, 3 power 9 डिटरमिनेंट्स बनेंगे। और उतने सारे डिटरमिनेंट में मुझे वो डिटरमिनेंट बनाना है, बताना है जो वैल्यू सबसे मैक्सिमम दे दे। सर वैल्यू मैक्सिमम देने का मतलब क्या बोल रहे हो आप? बेटा डिटरमिनेंट का वैल्यू आप सॉल्व करके देख लीजिए कितना वैल्यू आ रहा है। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप तो क्या हो जाएगा, -1, 2 -2, +2, 0 -0। सो फाइनल आंसर कितना हो रहा है बेटा? 0। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू तो सर 0 आ गया। हाँ जी 0 आना भी तो था। क्यों सर? क्योंकि बेटा अगर आप यहां से 2 कॉमन तो 1, 1, 1 ही हो जाता, आइडेंटिकल हो, तो आंसर तो 0 आना था। तो सर इसका वैल्यू 0 आ रहा है। लेकिन क्या ऐसा डिटरमिनेंट एग्जिस्ट सर करता है तो मैं बता सकता हूं जिनका वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा? हाँ जी। वो तरीका क्या है सर? तरीका बहुत सिंपल है बेटा। मैं आपको बता रहा हूं कि ये रूल फॉलो करना है, डिटरमिनेंट आप बताओगे। सो ध्यान से पहले रूल को समझ लीजिए। डायगोनल एलिमेंट्स पे बेटा लोग आपको मिनिमम ऑफ ए रखना है, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पे मैक्सिमम ऑफ ए रखना है। तो डायगोनल पे आपने रखा मिनिमम ऑफ ए, नॉन डायगोनल पे रखा आपने मैक्सिमम ऑफ ए। सर मिनिमम ऑफ ए और मैक्सिमम ऑफ ए का मतलब बेटा, मिनिमम ऑफ ए का मतलब 0 और मैक्सिमम ऑफ ए का मतलब 2, क्योंकि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। तो बेटा क्या मुझे आप लोग डिटरमिनेंट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस 3 डिजिट्स? यू हैव टू मेक डिटरमिनेंट हुज वैल्यू इज मैक्सिमम। बताइए कौन सा होगा? 0, 0, 0, 2, 1, 2, 2, 0, 2, 2, 0, 2, 0. बात समझ में आ गई? Yes, sir. आ गई। इसमें कौन सा बड़ा चीज है? ये तो आपने बोला भी, 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, हो गया खत्म, हो गया कॉन्सेप्ट। तो सर यही करना है मुझे। हाँ जी एक काम करो सर, मुझे ना इसका वैल्यू निकाल के दिखाओ आप, कितना वैल्यू आ रहा है। वैल्यू निकालना है, निकाल लीजिए। -2, 0 -4, +2, 4 -0, तो ये हो जाएगा बेटा 8 + 8 = 16। अब मैं आपसे बोलूं बेटा इसका मिनिमम वैल्यू बताओ, तो इस डिटरमिनेंट जो मैक्सिमम वैल्यू वाला डिटरमिनेंट है उसका वैल्यू कितना है? 16। तो मिनिमम का कितना होगा बेटा? -16। मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नेगेटिव ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, तो अगर ये 16 आया तो उसका -16 आया। बात समझ में आई सारे बच्चों को? यस सर। यस सर। इसका आंसर बताइए आप लोग जल्दी।
समझ में आया सारे बच्चों को? यस सर। अच्छा कुछ बच्चे बोल नहीं रहे, इसका मतलब मैं क्या समझूं? क्या आपके स्कूल से इतना होमवर्क मिल गया है कि आप उस होमवर्क से दब गए हैं, आपकी आवाजें नहीं निकल रही है, ऐसा मैं समझ जाऊं? हाँ जी नहीं, होमवर्क को भूल जाइए, अभी पढ़ाई यहाँ पे कीजिए। तो ये आपका आंसर है बेटा, सॉल्व कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है? सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, उसका नेगेटिव कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। तो आगे का काम खुद से करें, घर पे कीजिए इसको। आते हैं बेटा आज के टॉपिक में, हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सारे बच्चे लोग हेडिंग डालेंगे, साथ साथ लिखना है, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस लिख दीजिए ना, लीनियर इक्वेशंस। लिख दिया सारे बच्चों ने? Yes, sir. अच्छा अब इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ चीजें बता देता हूं कि क्या क्या आपको करना पड़ेगा इस टॉपिक को समझने के लिए। तो देखिए सबसे पहला चीज कि बेटा इस टॉपिक को जो बच्चा समझ जाता है वो बहुत खुश होता है कि सर चलो ठीक है, एक ऐसा टॉपिक मैंने सीखा कि जिसको बहुत रिगोरस रिविजन की जरूरत नहीं है, वो एक बार चार्ट देखेगा और बोलेगा सर यही तो फंडा था। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो बेटा मैं आपको चार्ट में भी नहीं समझाऊंगा, आप कोई दूसरा बुक्स देखेंगे तो आपको एक बढ़िया सा वो देंगे, मतलब टेबल बना कर देंगे, नोट लिखेंगे, रिमार्क लिखेंगे और बच्चा याद कर करके पागल हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं आपको इतना सिस्टमैटिक डिजाइन दे दूंगा ना कि आप बोलोगे सर हाँ लॉजिक ये था और कर देंगे अपन। अब वो बच्चे की बात करते हैं जिसको समझ में नहीं आता है, जो बच्चे को टॉपिक समझ में नहीं आता है भरोसा रखिए बेटा वो बहुत दूर होता है, बोलता है कि सर ये तो बहुत टफ है, जबकि टफ नहीं है, बहुत आसान है, आसान में भी आसान है। क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ के मेरे को लग रहा है ना हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक से भी आसान लगेगा, कंस्ट्रक्शन तो बहुत लेवल का टफ चैप्टर है कंपैरिजन में, इतना आसान है। अब इसको समझने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा कि जब मैं बोलूंगा लिखो तो लिखिएगा, जब मैं बोलूंगा रुक जाओ तो रुकना। अगर आप लिखोगे नहीं तो समझेगा नहीं, और आप समझोगे नहीं तो आप लिख भी नहीं पाओगे, तो दोनों चीजें सब बैलेंस करके चलना है। तो आपने हेडिंग डाला रुको, अब आप चीजों को समझिए, सीखिए कि सर लोगों ने क्या सोचा कि अब देखो मैं छोटा सा चीज उठाऊंगा और उसके उसके बारे में कितना इंफॉर्मेशन दूंगा आप लोगों को, आप लोग देखते रहिएगा पहले। तो हेडिंग डाल के सारे बच्चे आप लोग क्या करेंगे, बैठ जाएंगे आराम से और देखिएगा क्या हो रहा है। सर बात हो रहा है सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। हम ये जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है सर स्ट्रेट लाइन। अगर मैं ज्योमेट्रिकली बात करूं कि लीनियर इक्वेशंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं तो आप लोग बोलेंगे सर स्ट्रेट लाइन। अच्छा अब यही चीज गलती कर देते हैं बच्चे लोग। आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैंने बोल दिया लीनियर इक्वेशन आपके दिमाग में लाइन का फोटो आ गया, ये गलत है। आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर आपने लीनियर इक्वेशन बोला, आपने वेरिएबल का तो नाम नहीं लिया, क्योंकि बिना वेरिएबल का इक्वेशन कैसा? तो आप मुझे पहले ये बताओ कि लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल में है। अगर मैं आपको बोलूं बेटा वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, आप स्ट्रेट लाइन समझोगे। मैंने आपको बोला इन टू वेरिएबल, आप स्ट्रेट लाइन समझोगे। लेकिन जिस दिन मैंने आपको बोल दिया इन थ्री वेरिएबल, अब आपको स्ट्रेट लाइन नहीं सोचना है, अब आपको स्ट्रेट लाइन नहीं सोचना है, अब आप क्या सोचेंगे, प्लेन बन गया सर वो, अब वो प्लेन बन गया। अच्छा सर एक मिनट मुझे जरा समझाओ कि वन वेरिएबल का एग्जांपल क्या होता है, टू वेरिएबल का एग्जांपल क्या होता है, सर मुझे बताओ। तो बेटा वन वेरिएबल का मतलब होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब कि एक वेरिएबल होगा और उसका पावर एक होगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है सर, दो वेरिएबल्स होंगे और उनके पावर एक होगा। थ्री वेरिएबल्स का मतलब सर वेरिएबल्स तीन होंगे और उनका पावर एक होगा। एक मिनट तो सर क्या ये लीनियर इक्वेशन है, 2x = 5? हां जी बिल्कुल है सर। 2x + 3y = 4, सर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। हाँ जी सर। 2x + 3y + 5z = 0 बोलो या 6 बोलो, जो भी मर्जी बोलो सर, ये मैंने x लिख दिया।
5z = 6 सर ये लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल हो गया, बात समझ में आई बेटा? तो देखो पहला मैंने आपको क्या लर्निंग दिया यहाँ पे कि सिर्फ नाम सुन करके आप उसका फिगर डिसाइड नहीं करोगे कि सर सर ने लीनियर इक्वेशन बोला मैंने लाइन दिमाग में इमेजिन कर लिया, नहीं गलत है। आपके सवाल में आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि सर लीनियर इक्वेशन इन विच वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल की बात कर रहे हो आप, हाउ मेनी वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल की बात कर रहे हो सर आप, वन वेरिएबल लाइन सोचूंगा, टू वेरिएबल्स लाइन सोचूंगा, थ्री वेरिएबल्स प्लेन सोचूंगा मैं सर। सर लाइन का फोटो क्या होता है बेटा, लाइन का फोटो ये हो गया। सर प्लेन का फोटो क्या होता है, प्लेन का फोटो बेटा ये हो गया, ये हो गया प्लेन का फोटो, ये आपका प्लेन मतलब समझ रहे हो एक प्लेन, इसको डिफाइन yes, कैसे करूं आप 3D में समझोगे तो और ज्यादा। पढ़ाओ और फोन, हां जी, तो ये होता है। अब बेटा सोचिएगा, आपको भी साथ साथ सोचना है कि चीजें सर इवॉल्व होके कैसे, आसान टॉपिक है लेकिन दिमाग पे थोड़ा जोर डालना पड़ेगा आपको। सर बात हो रही है लीनियर इक्वेशंस के बारे में, मैं सबसे पहले वन वेरिएबल की बात करूंगा, फिर टू वेरिएबल्स की बात करूंगा, फिर थ्री वेरिएबल्स की बात करूंगा मैं, तो एक एक करके मैं सारा समझाने वाला हूं। पहले मैं आपको समझा रहा हूं कि सर अगर स्ट्रेट लाइन के बारे में सोचता हूं तो क्या होगा, अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो सर सॉल्यूशंस की बात कर रहे हो आप, और सॉल्यूशंस का मतलब ये होता है कि सर लाइन आपस में कहां कहां मिल रही है, यही तो होता है सर, लाइंस आपस में कहां कहां मिल रही है वही सॉल्यूशंस होते हैं। मैंने आपको बताया भी है कि बेटा सॉल्यूशंस का मतलब होता है कि दोनों ग्राफ कहां पे आप एक दूसरे को कट कर रहा है। अब लिनियर इक्वेशंस के पास बेटा दो ही चीज होगा, सुनना ध्यान से, मैंने लिनियर इक्वेशन सॉल्व किया तो या तो उसका सॉल्यूशन होगा नहीं तो नहीं होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि या तो सॉल्यूशन होगा नहीं तो नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा सर। अगर सॉल्यूशन मिला ही नहीं, मैंने इक्वेशन सॉल्व किया और कुछ मिला ही नहीं, तो मैं बात ही नहीं करूंगा आगे। इनका एक नाम होता है जिसको बोला जाता है इनकंसिस्टेंट, सारा नाम याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन नो सॉल्यूशन के ये नहीं बोलेगा फाइंड द कंडीशन फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, आपको बोल देगा फाइंड द कंडीशन फॉर विच द गिवन इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, बात दोनों का एक ही, बस वर्ड चेंज कर दिया आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो नो सॉल्यूशन मतलब सर वो इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट है। अच्छा अगर सॉल्यूशन आया तो क्या बात करेंगे सर, बेटा अगर सॉल्यूशन आया तो कितना आया, तरीका देखिए सोचने का कि मैंने इक्वेशन सॉल्व किया तो या तो सॉल्यूशन आएगा या तो सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। अगर सॉल्यूशन आया तो कितना आया, तो मेरे दिमाग में सर वापस से आइडिया आया, अगर सॉल्यूशन आया तो कितना आया, तो या तो वन सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, मैं इनफाइनाइट को इनफाइनाइट लिखूंगा तो ही अच्छा रहेगा, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। सर दो सॉल्यूशंस नहीं होंगे, नहीं क्यों सर, ऐसा आपने क्यों बोला कि दो सॉल्यूशंस नहीं होंगे, बिल्कुल जी रीजन दे रहा हूं, पहले आप सीखिए सर वन सॉल्यूशन। अच्छा वन सॉल्यूशन का मतलब होता है कि सर यूनिक है, क्योंकि अगर कोई चीज एक ही है तो उसको यूनिक बोला जाता है, हाँ जी, तो वन सॉल्यूशन का मतलब सर मैं यूनिक समझ सकता हूं क्या, बिल्कुल समझना भी है आपको यूनिक, सो वन सॉल्यूशन का मतलब होगा बेटा यूनिक, वन सॉल्यूशन को आप लोग लिखोगे यूनिक। अब वापस से याद करना क्यों जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द कंडीशन फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, या यूनिक हटा करके बोलेगा वन सॉल्यूशन, तो दोनों बात एक ही है। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा यूनिक नहीं है, उसके कई सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल है। अच्छा अब यूनिक है, अब मैं इसको और फर्दर समझाऊंगा, एक चीज की और ध्यान देने वाली बात है कि सर आपने इक्वेशन को बोला कि इक्वेशन है तो या तो सॉल्यूशन होगा या तो सॉल्यूशन नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो मैं उस पर बात ही नहीं करूंगा, उसको वहीं बंद कर दूंगा, अगर सॉल्यूशन हुआ तो मैं पूछूंगा कि कितना सॉल्यूशन आया, या तो एक आएगा या तो इनफाइनाइट आएगा, सर दो क्यों नहीं आया, सर तीन क्यों नहीं आया, सिर्फ एक और नहीं, या तो एक नहीं तो बहुत ज्यादा, ये लॉजिक क्या है सर आप ये समझाओ, समझते हैं बेटा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेट करके। अगर एक लाइन है तो ये लाइन दूसरे लाइन के साथ क्या क्या रिलेशन बना सकता है,
या तो बेटा ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएं, मतलब कभी एक दूसरे को कट ही ना करें। अगर कट नहीं करेगा तो मैं इसको क्या बोलूंगा बेटा लोग, नो सॉल्यूशन। क्योंकि सर सॉल्यूशन तो तब आएंगे ना जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। हाँ जी, अच्छा दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है सर? बेटा दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि लाइन एक दूसरे को कट करके चले जाए, मतलब अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो लाइन तो इंटरसेक्ट ही करेगा ना। हाँ जी, अब एक बार कट किया तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, वन सॉल्यूशन। क्या दो लाइंस एक दूसरे को दो बार कट कर सकती हैं? आप देखिए कि सर मेरे पास दो स्ट्रेट लाइन है और दोनों स्ट्रेट लाइन सर दो बार कैसे कट कर देगा, एक ही बार कट करेगा ना। अब ऐसा तो नहीं कि ये लाइन सर यू घूम के आ रहा है और फिर टक करके कट करके जाए बेटा, फिर लाइन थोड़ी बहुत तो कर्व हो गया। लाइन का मतलब सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो एक ही बार मैक्सिमम कट कर सकता है। इसलिए मैंने बोला कि या तो वन सॉल्यूशन आएगा। अब बात करते हैं सर कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब, अगर एक लाइन आपने लिखा, अगर आपने एक लाइन लिखा, लो जी मैंने लाइन बना दिया यहां पे, दूसरा लाइन इसके ऊपर से ही पास हो सकता है, ओवरलैप करके चला जाएगा। यस सर, लॉजिक समझ में आ रहा है बेटा लोग? यस सर। दूसरा लाइन क्या करेगा, इसके ऊपर ही पास होकर के चला जाएगा। अगर सर ऊपर पास होकर चला गया तो इनफाइनाइट, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत ज्यादा है सर, वो लाइन एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बेटा लोग, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसलिए मैं बोला कि एक लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सिर्फ तीन सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, या तो एक होगा, नहीं तो अनेक होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अच्छा अब ये वर्डिंग आप समझ रहे हो ना कि सर ये बहुत सिंपल है बेटा, जी एक बार सवाल पूछ दिया था, इससे क्वेश्चन दिया और बोला था कि दिस इक्वेशन मे हैव वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, थ्री सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब कोई मार दिया, अब इनफाइनाइट मार दिया तो हो सकता है उसका आंसर सही आया रहेगा। अब जिन जिन ने दो और तीन मार के आए बेटा, वो तो 100% ही गलत है ना, क्योंकि स्टेट इक्वेशंस के पास, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस के पास दो सॉल्यूशन और तीन सॉल्यूशंस तो पॉसिबल ही नहीं है, या तो एक होगा नहीं तो अनेक होगा। बस लॉजिक समझ में आया बेटा लोग? यस सर। अगर सोचने वाला रहेगा तो यहाँ पे और सोचेगा, कैसे सोचेगा सर? अगर लाइन पैरेलल है, बात ही नहीं करूंगा। सर लाइन ओवरलैप कर गया, बात ही नहीं करूंगा। सर लाइन इंटरसेक्ट किया, तो मेरे दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर कहां किया? फिर तरीका देख रहे हो कि आप हर छोटी चीजों में घुस करके कुछ ना कुछ निकालने की सोच रहे हो, और ये आप क्या कर रहे हो बेसिकली कि आप वो सारा एरिया कवर कर रहे हो कि जहां पे सामने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, और लिटरली ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने डेप्थ में सोच करके वो इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि सर लाइन ने इंटरसेक्ट किया तो कहां किया, तो आप सोचो कहां कहां पे कर सकता है। या तो चारों क्वाड्रेंट में कहीं पे भी कर सकता है, नहीं तो ओरिजिन पे कर सकता है, नहीं तो एक्सिस पे कर सकता है। बात समझ में आ रहा है बेटा? आप क्वाड्रेंट बनाइए, आप क्वाड्रेंट बनाइए दो लाइन से, या दोनों लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ओरिजिन पे ही कर देंगे दोनों इंटरसेक्ट, नहीं तो दोनों लाइंस ऐसा इंटरसेक्ट कर देंगे एक्सिस पे कर देंगे, नहीं तो वो लाइंस कहीं और करेंगे सर, कहीं और करेंगे सर, कर देंगे। बात समझ में आ रहा है बेटा लोग? यस सर। अब ये जो ओरिजिन वाला मैंने फंडा बोला ना कि बेटा अगर ये लाइन ओरिजिन पे इंटरसेक्ट किया तो उसको बोलते हैं सर यूनिक है, और उसने ओरिजिन पे कट किया तो उसको बोला जाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन है। क्या बोलेंगे आप लोग? ट्रिवियल सॉल्यूशन। और अगर वो लाइन ओरिजिन पे नहीं किया, अदर देन ओरिजिन, जहां मर्जी कट कर दे सर, सिर्फ ओरिजिन पे ना करे, तो उसको बोला जाता है नॉन ट्रिवियल। अब यूनिक के पास भी दो ऑप्शंस खुले, यूनिक के पास भी दो ऑप्शंस खुले, या तो वो ट्रिवियल होगा, नहीं तो वो नॉन ट्रिवियल होगा। अच्छा एक चीज यहां से क्लियर कर देता हूं बेटा, कि कई बच्चे ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सोच लेते हैं, बोलते हैं कि सर ट्रिवियल का मतलब अपोजिट होगा नॉन ट्रिवियल, नहीं, ट्रिवियल का अपोजिट होता है डज नॉट हैव ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल का मतलब होता है नॉन ट्रिवियल, बस ट्रिवियल का उल्टा नॉन ट्रिवियल नहीं है। सो ये हो गया नॉन ट्रिवियल। मैं लिख भी दे रहा हूं
ये क्या बोलेंगे, एंटोनिम्स बोला जाता है ना. यस एंटोनिम्स ऑफ ट्रिवियल इज डज नॉट हैव ट्रिवियल सॉल्यूशन. अब कई बच्चे ये सोच लेते हैं कि सर ट्रिवियल है तो इसका उल्टा नॉन ट्रिवियल होगा. अरे भैया नहीं, ट्रिवियल इज डज नॉट हैव ट्रिवियल सॉल्यूशन. दोनों में फर्क क्या है सर, आप ये बताओ. सर डिफरेंस क्या हुआ दोनों में मतलब. हाँ एग्जैक्टली मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे भी ना आपको थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा कि पहचान सर बोलना क्या चाहते हो. देखो बेटा ये बोल रहा है कि ट्रिवियल है. ट्रिवियल का मतलब होगा कि सर उसके पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है यूनिक है, मतलब एक ही सॉल्यूशन है और वो जीरो है. सॉल्यूशन है यूनिक है और वो जीरो है तो ट्रिवियल हो गया. नॉन ट्रिवियल का मतलब होता है सॉल्यूशन है बट जीरो नहीं है. जीरो नहीं है वो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है. वो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. नहीं भी हो सकता है, जो आपने वर्ड बोला ना कि नहीं हो सकता है, वो है डज नॉट हैव ट्रिवियल सॉल्यूशन. कि ट्रिवियल का अपोजिट हो गया डज नॉट हैव ट्रिवियल, मतलब उसके पास ट्रिवियल नहीं है बस, बाकी है सॉल्यूशन कि नहीं है सर मेरे को नहीं मालूम. बट नॉन ट्रिवियल बोलता है कि सॉल्यूशन है जीरो भी हो सकता है और कुछ और, और ये बोलता है कि ट्रिवियल नहीं है, बाकी सॉल्यूशन है या नहीं है मेरे को मतलब नहीं सर. फर्क अभी भी समझा कि एक बार और बताओ. सर समझ गए. ट्रिवियल का मतलब होता है कि सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन जीरो है. डज नॉट हैव ट्रिवियल का मतलब होता है कि सर सॉल्यूशन है नहीं है, दोनों हो सकता है लेकिन ट्रिवियल नहीं है, ये गारंटी है. ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है उसके पास, बाकी है या नहीं है मैं नहीं जानता हूं सर. नॉन ट्रिवियल का मतलब होता है कि सर सॉल्यूशन है बस वो ट्रिवियल नहीं है. तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो सॉल्यूशन हो सकता है नहीं तो सॉल्यूशन नहीं हो सकता है. लेकिन नॉन ट्रिवियल के पास क्या है बेटा, सॉल्यूशन है बस वो ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है. अभी भी नहीं समझा डिफरेंस आप लोगों को, ठीक है. अब ये चार्ट आप लोग समझ करके बनाएंगे. लिखा है कोई नहीं ना, किसी को लिखना नहीं है बेटा, याद रखना किसी भी बच्चे को लिखना नहीं है. अच्छा अब बात करते हैं सर अपना पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस क्या था. हेडिंग डाले थे बेटा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस. हमने बोला अगर इक्वेशंस सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें तो सर या तो सॉल्यूशन होगा या तो सॉल्यूशन नहीं होगा. अगर नहीं होगा स्टॉप कर देना है सर, वो इनकंसिस्टेंट है, वो सिस्टम ही इनकंसिस्टेंट है तो मैं उस पर बात ही नहीं करूंगा. अगर सॉल्यूशन है मतलब कंसिस्टेंट है तो मैं अपने आप से सवाल पूछूंगा कि कितना सॉल्यूशन है. तो स्ट्रेट लाइन में दो हो सकते हैं सर, या तो एक होगा नहीं तो अनेक होगा, या तो वन या तो इनफाइनाइट. अगर इनफाइनाइट हो गया तो सर मैं बात ही नहीं करूंगा. क्यों? क्योंकि बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. अब मैं कहां कहां ढूंढूंगा, अनेक है ना, मैं कहां कहां बात करूंगा. अगर एक है तो मेरे दिमाग में वापस आएगा कि वो कौन है. अगर सॉल्यूशन एक मतलब लाइन ने इंटरसेक्ट किया एक बार तो कहां किया, या तो ओरिजिन पे करेगा नहीं तो ओरिजिन पे नहीं करेगा, या तो ओरिजिन पे करेगा नहीं तो ओरिजिन पे नहीं करेगा. अगर ओरिजिन पे किया तो उसका नाम हमने दिया ट्रिवियल है, अगर नहीं किया तो उसको बोले नॉन ट्रिवियल. लेकिन हमने ये एक डिफरेंस और समझा कि ट्रिवियल का अपोजिट नॉन ट्रिवियल नहीं होता है सर, ट्रिवियल का अपोजिट होता है डज नॉट हैव ट्रिवियल सॉल्यूशन. बात समझ में आई बेटा लोग? क्या चार्ट आप खुद से बनाएंगे सारे बच्चे? यस सर. चार्ट आपको खुद से बनाना है और लिखिए. अच्छा मुझे बताओगे, एक आप लोगों से सवाल पूछ लेता हूँ. यस सर. एक इक्वेशन है बेटा उसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो वो सिस्टम कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? कंसिस्टेंट. अगर सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट होगा. वो एक है कि अनेक है सर मेरे है तो कंसिस्टेंट है, नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है. ठीक है. हाँ जी सर. बेटा आपको समय मिलता है इसको लिखने के लिए 2 मिनट.
लिख लिया हो गया सर। सब लोग ने लिख लिया। यस सर। आगे चलें आप। यस सर। अब वापस से बेटा हेडिंग डालिए, लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मैं तीन पार्ट में पढ़ाऊंगा, वन वेरिएबल अलग पढ़ाऊंगा, टू वेरिएबल अलग पढ़ाऊंगा, थ्री वेरिएबल अलग पढ़ाऊंगा। सर सबसे ज्यादा किसको ध्यान रखना है? वन वेरिएबल को सर, बाकी को नहीं। नहीं, टू वेरिएबल्स याद हो जाता है तुरंत, थ्री वेरिएबल्स आप तब तक नहीं समझोगे जब तक आपको वन वेरिएबल का आइडिया ना हो। मैंने बोला ना कि बेटा मैं आपको एक ऐसा सिस्टम तरीका से, मतलब एक ऐसा तरीका से बताऊंगा कि आपको याद हो जाए वो चीज, वो नहीं तो पूरा का पूरा ऐसा नोट्स नहीं छपवाऊंगा। लिखिए, हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे लोग, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और वापस से लिख करके रुक जाना है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लिखिए, हेडिंग डालिए और रुक जाइए। अब वापस से इन, हाँ जी बेटा बोलो बोलो जी। रुक जाओ, अरे देवा रुक जाओ, मैंने तो अभी कुछ लिखा ही नहीं, आप बोल रहे हो लीनियर। अलग अलग टाइप के लोग हैं इधर, दो बच्चे गायब हो गए, क्यों भाई क्या हो गया? आप लोगों को समझ में नहीं आया? सब बोलो सर, जेई मेंस में क्वेश्चंस, जेई मीन नहीं, नाम खराब कर रहे हो, जेई मीन कर दिया तुमने। लाइट गई सर। सर मीन नहीं सर, उसके कहने वाला जेई में। अब कल के दिन बोले जेई मीम हो, बेटा जेई मीम थोड़ी है, जेई मेंस है। देखो मुस्कान भी नाम खराब कर रही है, मेन नहीं है बेटा, जेई मेंस है। जेई मेंस सर, मैं बोल रही हूँ तो। देवा अब एडवांस को एडवांस बोलना सर, जैसे जेईई में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बिल्कुल होते हैं जी, बिल्कुल होते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि जेईई मेंस वाले ने एडवांस का क्वेश्चन छाप दिए हैं। लो जी सर, एडवांस में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सुनो तो आगे। सर मेंस में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आंसर इज यस। सर हमेशा होते हैं, आंसर इज नो। कभी कभी होते हैं सर, यस, नॉट कभी कभी, वेरी रेयर होते हैं। सर एडवांस में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, नो। मेंस रिपीट कर सकता है बट एडवांस नहीं। चलिए जी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे और रुक जाएंगे। रुकने के बाद सोचना शुरू करते हैं, सर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक जनरल सा फोटो क्या होता है? तो बेटा जनरल सा फोटो होता है ए एक्स इज इक्वल टू बी। हाँ जी बिल्कुल, एक्स इज इक्वल टू बी। अब बचपन में आप लोगों को सिखाया गया है ना कि अगर गलती से 5x is equal to 3 दिख जाए तो आप x equal to 3 by 5 लिख देना, सिखाया गया है। Yes, yes, लेकिन क्या कर ये हमेशा मैं काम कर सकता हूं क्या कि अगर 5 उधर है तो मैं भेज दूंगा उधर? हां जी आप कर सकते हो, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि आप जिसको भेज रहे हो डिनोमिनेटर में वो जीरो है कि नहीं है। अगर जीरो नहीं हुआ, अगर जीरो नहीं हुआ तो आप इसको लिख सकते हो x इज इक्वल टू बी बाई ए। लेकिन अगर गलती से a जीरो हुआ तो आपके पास बेटा कोई अधिकार नहीं है कि a को उठा करके भेज दो उधर, अधिकार ही नहीं है आपके पास। तो आपको सिर्फ यहीं पे रुकना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि सर यहां से मैं क्या क्या सोच सकता हूं। तो मैं अभी तक आपको सिखाया कि बेटा इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्मेट में सोचूंगा,
कब सोचूंगा, जब मेरा ए जीरो ना हो, ठीक है। मतलब सर आप बोलना ये चाहते हो कि ये पूरे इक्वेशन में सबसे पहला पावर ए के पास है। हाँ जी, क्योंकि बेटा टारगेट अपना क्या है कि मेरे को वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है। वेरिएबल का मतलब सर मुझे एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। अब वन वेरिएबल तो सिर्फ एक ही वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करने को बोला जाएगा, जब टू वेरिएबल्स होंगे तो आपसे एक्स और वाई दोनों का वैल्यू पूछा जाएगा, जब थ्री वेरिएबल्स होंगे तो आपको एक्स वाई जेड सबका वैल्यू पूछा जाएगा। तो फिलहाल मेरा टारगेट ये है कि सर मैं एक्स का वैल्यू फाइंड करूं। अब एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए सर मुझे ए को भेजना पड़ेगा। अब मेरे दिमाग ने सोचा कि ए को मैं भेज सकता हूं कि नहीं, तो ए ने बोला कि देखो भैया मेरे पास दो रास्ते हैं। अब बस समझते जाइएगा कहानी को, पक्का इंजॉय करोगे ये सारा प्रोसेस। अब ए ने बोला कि देखो भैया मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं जीरो होऊंगा, नहीं तो मैं जीरो नहीं होऊंगा। जैसे ही ए ने बोला जीरो नहीं हूं, तो लोगों ने बोला कि ठीक है बेटा तुम इधर आ जाओ पहले, x इक्वल टू बी बाई ए मैं सोचूंगा। जैसे ही ए ने बोला मैं जीरो होऊंगा, तो आपने तुरंत रुका और बोला कि फिर तो मेरे को यहीं पे रुकना पड़ जाएगा, मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं सर। ठीक है, अब मैं सबसे पहले इसको बताता हूं, बाद में इसके ऊपर आऊंगा। अब ए ने बोला जीरो नहीं हूं, तो ए तो अपना पावर दिखा दिया कि देखो भैया मेरा रोल यही था, मैंने अपना जो भी रोल था कर दिया कि मैं जीरो नहीं हूं, मैंने अपने आपको बता दिया कि मैं ये नहीं हूं। अब बी चिल्ला रहा है कि फिर मैं क्या हूं, मेरे पास भी दो रास्ते हैं। अब बी के पास भी दो रास्ते बेटा, लोग बी बोल रहा है कि या तो मैं जीरो होऊंगा या तो मैं जीरो नहीं होऊंगा, या तो मैं जीरो होऊंगा नहीं तो मैं जीरो नहीं होऊंगा। अगर बी जीरो है, सुनिएगा ध्यान से, अगर बी जीरो है, एक्स का वैल्यू क्या था बेटा लोग, बी बाई ए, जिसमें ए आपका जीरो नहीं है, वो कुछ भी है, एनीथिंग है, और बी चिल्ला करके बोल रहा है देखो भैया मैं जीरो हूं, तो बेटा जीरो बाई एनीथिंग आंसर क्या आएगा, जीरो। बात समझ में आया? हाँ जी सर आ गया। एक्स का वैल्यू आप बी के ए के जगह पे जो मर्जी रख दो, जो मर्जी रख दो, पांच रखो, दस रखो, माइनस दस रखो, माइनस पांच रखो, जो मर्जी रखो, बेटा एक्स का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, आंसर जीरो आएगा। तो मैंने देखा कि सर लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो आंसर तो एक ही आएगा, क्योंकि लिनियर का मतलब क्या होता है बेटा, पावर वन, और अगर पावर वन होगा तो आंसर एक ही आने वाला है। आप लोगों को बहुत पहले बता दिया हूं कि आंसर डिपेंड करता है इक्वेशन के पावर पे। अगर क्वाड्रेटिक है तो दो आंसर्स, क्यूबिक है तो तीन आंसर्स, पावर पे डिपेंड करता है। अब क्योंकि लिनियर इक्वेशन है तो सर आंसर तो एक ही आने वाला है, और आपको बताया कि बेटा आंसर एक आएगा नहीं तो अनेक आएगा। अब मैं बार बार देख रहा हूं कि सर एक्स का वैल्यू जीरो आ रहा है, एक तो आ रहा है लेकिन ये जीरो आ रहा है, एक आया मतलब यूनिक आया और वो भी जीरो आया, इसका मतलब क्या हुआ कि सर वो ट्रिवियल है। ट्रिवियल है, वेरी गुड, क्या बात है कि सर अब तो वो ट्रिवियल हो गया। अब ट्रिवियल इटसेल्फ दो चीजों को रखता है कि मैं यूनिक भी हूं एंड जीरो भी हूं, यूनिक एंड जीरो, यूनिक एंड जीरो, इसके सॉल्यूशंस होंगे, एक ही होगा और वो भी जीरो सॉल्यूशन होगा। आप देख सकते हैं कि सर जीरो हुआ कैसे। अब बात करते हैं बेटा बी अगर जीरो नहीं हो तो कहानी में क्या होगा सर। तो अब सोचो, नीचे वाला बोल रहा है कि मैं कुछ भी हूं, ऊपर वाला भी बोल रहा है कि मैं जीरो नहीं हूं, मतलब कुछ भी है, तो ऊपर वाला भी एनीथिंग, मतलब बी भी कोई नंबर हो सकता है, ए भी कोई नंबर हो सकता है, तो नंबर बाई नंबर बेटा आंसर क्या होगा, एनी नंबर सर, वो नंबर ही आ सकता है। yes, लेकिन क्या ये नंबर जीरो आ सकता है बेटा लोग, आंसर तो एक ही आएगा, मतलब आंसर यूनिक आएगा बट नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, क्योंकि आंसर इसका जीरो नहीं। तो ये यहाँ पे मैंने ये सोचा। अब बात करते हैं ए जीरो हो गया तो सर क्या आंसर होगा। अब ये बहुत खूबसूरत है, देखिएगा सर, जैसे ही मैंने, मेरे को पता चला कि अगर ए जीरो है तो मैं यहाँ पे रुकूंगा और बोलूंगा कि देखो भैया आगे सोचने की जरूरत नहीं है, मेरा इक्वेशन कुछ ये बन जाएगा, जीरो इंटू एक्स इक्वल टू बी। बहुत क्रुशियल चीज बता रहा हूं, याद रखे मैक्सिमम जेई का सवाल इसी फंडा पे सॉल्व होने वाला है, वन वेरिएबल नहीं थ्री वेरिएबल्स में, लेकिन लॉजिक सिर्फ यही लगाएंगे हम लोग भी वहां पे। तो सर जीरो इंटू एक्स इक्वल टू बी हुआ, जीरो क्यों हुआ, क्योंकि सर ए का वैल्यू जीरो है।
अच्छा अभी भी बीच चिल्ला करके दो बोलेगा कि बेटा मेरे पास भी दो चीजें, मैं भी तो दो हो सकता हूँ, क्या हो सकते हो भैया, या तो मैं जीरो बनूंगा नहीं तो मैं जीरो नहीं बनूंगा। जिस दिन बी जीरो हो गया, आपका इक्वेशन का फोटो कैसा बन जाएगा बेटा, जीरो इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। राइट साइड वाला फोटो क्या बन रहा है बेटा लोग, जीरो इंटू एक्स इज इक्वल टू बी जीरो नहीं है, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। अब देखिए कितना प्यारा इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा है कि अब मेरा टारगेट है सर एक्स का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। एक्स का वैल्यू फाइंड करने का मतलब कि सर लेफ्ट हैंड साइड तो हमेशा जीरो देगा, अग्री करते हो बेटा लोग, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा जीरो, राइट हैंड साइड ऑलरेडी जीरो है, तो एक्स का कौन सा ऐसा वैल्यू रखूं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। कुछ भी रख लो सर, मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा। परफेक्ट। तो क्या मैं बोल सकता हूं बेटा लोग, क्या लिखूंगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। लॉजिक समझ में आप लोगों को, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे आ रहा है सर? यस सर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन सर। अच्छा अब मुझे ये बताओ बेटा, यहां पे क्या लिखूंगा, लेफ्ट साइड ऑलवेज जीरो, राइट साइड नॉन जीरो, तो नो सॉल्यूशन सर, लेफ्ट और राइट इक्वल आया नहीं तो सर सॉल्यूशन किस बात की। लॉजिक समझ में आया आपको, जीरो इंटू एक्स ऑलवेज जीरो, आप एक्स का जो मर्जी वैल्यू रखो आंसर हमेशा जीरो आएगा, राइट साइड में क्या है, कुछ भी है, तो ये जीरो और ये कुछ भी, तो नो सॉल्यूशन ना, नहीं समझे? तो यहाँ पे क्या समझ गए सर, मैं आपको क्या लिख, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, नो सॉल्यूशंस, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ठीक है। वंस मोर रिपीट करने की कोशिश करेंगे, देखो हमारे पास सिर्फ इतना छोटा इंफॉर्मेशन था सिर्फ, और मैंने आपके सामने चार्ट डिजाइन करके दे दिया कि बेटा देखो ये चीज हम सोच सकते हैं। अब इस चीज का फायदा ना जब आप कल पढ़ोगे थ्री वेरिएबल्स में, तब आपको समझ में आएगा कि सर कितना अच्छा हुआ कि हमने वन वेरिएबल को इतना अच्छे से समझा। बेसिकली सवाल यही नहीं पूछेगा बेटा, गारंटी यहां से सवाल नहीं पूछेगा, सवाल पूछेगा थ्री वेरिएबल्स और टू वेरिएबल्स से, लेकिन थ्री वेरिएबल्स आप तब तक नहीं समझोगे जब तक आपको वन वेरिएबल का लॉजिक नहीं मालूम है, और वन वेरिएबल का लॉजिक आपको जनरली बुक्स में नहीं मिलते, ठीक है जी। हाँ जी सोचते हैं बेटा, सर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात चल रही थी, मैंने देखा सर ए इज इक्वल टू बी का फोटो होता है, मेरे पास दो चॉइस है, ए जीरो हो सकता है नहीं तो जीरो नहीं हो सकता, अगर ए जीरो हो गया तो मैं एक्स इक्वल टू बी बाई ए के पास जाऊंगा ही नहीं, मैं इधर ही रुक जाऊंगा, और अगर ए जीरो नहीं हुआ तो मैं सर ऐसा लिख सकता हूं। अब दोनों ही केस में बी बोल रहा है कि मेरे पास भी दो चॉइस है, या तो मैं जीरो होऊंगा या तो जीरो नहीं बनूंगा, या तो मैं जीरो बनूंगा नहीं तो जीरो नहीं बनूंगा। अगर यहां पे जीरो बन रहा है तो सर ये तो ट्रिवियल हो गया क्योंकि सर एक्स का वैल्यू जीरो ही आ रहा था, अगर बी जीरो नहीं हुआ तो यूनिक हुआ बट नॉन ट्रिवियल हुआ क्योंकि सर नंबर बाई नंबर आंसर आ रहा था, वो कोई नंबर होगा पर्टिकुलरली। हाँ जी सर, अगर बी जीरो हो गया तो फोटो बन रहा है जीरो इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे सर एक्स का कोई भी वैल्यू रखेंगे जीरो ही मिलेगा आपको। सर यहाँ पे बोल रहा है जीरो इंटू एक्स इक्वल टू एनीथिंग, तो एक्स का कुछ भी वैल्यू रखोगे आंसर जीरो आएगा, ना कि एनीथिंग, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है सर इक्वेशन को, तो यहाँ से क्या हो गया बेटा लोग, नो सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? यस सर। अब इस चार्ट को खुद से बनाएंगे, बिना देखे बनाएंगे सारे बच्चे, एक बार अगर आपको चाहिए तो आप देख लीजिए ध्यान से, बिना समझे, बिना देखे सॉरी, बिना समझे नहीं, बिना देखे इसको खुद से डिजाइन करना है, मतलब खुद से लिखना है। आपके सामने स्क्रीन है, आप इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए, फिर मैं स्लाइड हटा दूंगा, आपको खुद से लिखना है पूरा। हाँ जी एक बार ये समझा दो, ट्रिवियल जो ए कैसे करा, ये समझ लो बेटा, देखो ए जीरो नहीं है मतलब आपका डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, बस जीरो नहीं होगा सर। बी जीरो है, बी जीरो का मतलब बेटा न्यूमरेटर जीरो, तो एक्स का वैल्यू आ रहा है जीरो बाई एनीथिंग, तो आंसर तो बेटा हमेशा जीरो आएगा ना, एक्स का वैल्यू हमेशा जीरो आएगा, तो वो ट्रिवियल वाला केस हो गया कि सर आंसर आया और वो भी जीरो ही आया, ये केस ट्रिवियल कि सर लाइन ने इंटरसेक्ट किया और ओरिजिन पे किया, कहीं और नहीं किया, ओरिजिन पे कर दिया, जीरो पे कर दिया, तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रिवियल। यूनिक तो दो होते हैं, देखो यूनिक ट्रिवियल भी है और नॉन ट्रिवियल भी है, डिफरेंस बस यही है जीरो आएगा और नॉन ट्रिवियल में कुछ भी। जीरो इज ओनली सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल इज एट लीस्ट
एटलीस्ट वन नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन कि सर सिर्फ जीरो सॉल्यूशन नहीं है, उसके और भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अच्छा ये अभी यूनिक की बात हो रही है ना, यूनिक तो नॉन ट्रिवियल लिनियर इक्वेशन में यूनिक की बात हो रही है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो। नॉन ट्रिवियल मतलब आप इतना ही समझो कि सर ट्रिवियल नहीं है तो नॉन ट्रिवियल होगा, लेकिन ट्रिवियल का उल्टा ये होता है। ठीक है जी, हाँ जी सर। तो बेटा यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू आ रहा था वो आंसर आया तो जीरो आया, जीरो आया तो सर ट्रिवियल वाला केस हो गया, यूनिक एंड जीरो। यूनिक का मतलब सर एक ही सोल्यूशन हो रहा है और एक ही तो आएगा ही ना। तो चार्ट डन हो गया, खुद से लिखोगे? यस सर। लिखिए खुद से, खुद से लिखिए। किसी को रीचेक कर रहे हैं तो कर सकते हैं आप लोग। अच्छा ये नहीं लिखोगे तो अच्छा रहेगा, कोई जरूरी नहीं है आप लिखने के लिए। ये था आपका, तो आप लोग देख लीजिए और लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा, वो है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब कल क्लास में बात करेंगे तो बेटा लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल के ऊपर बात करेंगे, और उसके बाद एक्स्ट्रा क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। देन फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विथ मैट्रिसेस। डन, सही है आप लोगों का? यस सर। अब बात करते हैं बेटा टू वेरिएबल्स के बारे में। लाइन आप लाइंस आपके पास दो हैं, वहां पे तो बेटा सिंगल लाइन था क्योंकि वन वेरिएबल था, तो बेटा एक ही लाइन होगा। दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस हैं, तो सर दो लाइंस होंगे। दो वेरिएबल्स हैं और दो दो इक्वेशंस हैं, तो बेटा दो लाइंस होंगे ना। वहां पे सिर्फ एक इक्वेशन था तो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लाइन रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि दो इक्वेशन है, तो सर दो लाइंस रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा कितने बच्चे को ये फंडा मालूम है कि अगर लाइंस पैरेलल होते हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं? जल्दी बताएंगे। Two lines are said to be parallel when their slopes are same. Equal. Perfect. तो ये class 11 का फंडा है, जिनको नहीं मालूम है वो कॉपी के टगले पे लिख देंगे। Two lines are said to be parallel when their slopes are same or equal. अब मुझे आप लोग बताओ बेटा लोग कि इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप क्या होता है? माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई। इसका आंसर क्या होगा बेटा? माइनस ऑफ ए वन डिवाइड बाय बी वन, माइनस ऑफ ए टू डिवाइड बाय बी टू। बात समझ में आ गई सर? अब मुझे मालूम है कि सर दो लाइंस तीन ही चीजें बना सकती हैं। क्या बना सकता है बेटा? कि सर या तो उसके पास सोल्यूशन होगा, नहीं तो उसके पास सोल्यूशन नहीं होगा। इधर हाँ जी, अब ये दोनों लाइंस बेटा इनके पास दो रास्ते हैं, या तो इनके पास सॉल्यूशंस होंगे या तो इसके पास सॉल्यूशंस नहीं होंगे, नो सॉल्यूशंस। वापस अगर इनके पास सॉल्यूशंस नहीं है, इसका मतलब क्या होता है बेटा लोग? इसके पास अगर सॉल्यूशंस नहीं है, इसका मतलब सर लाइंस पैरेलल है। लाइन ने कट ही नहीं किया सर, लाइन पैरेलल चला गया, लाइन पैरेलल चला गया तो सर सॉल्यूशंस नहीं है। और लाइन पैरेलल होने का मतलब होता है कि सर इनके स्लोप्स
इक्वल है। तो स्लोप्स इक्वल का मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सर एम वन इज इक्वल टू एम टू। दिस इंप्लाइज दैट माइनस ऑफ ए वन बाई बी वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए टू बाई बी टू। मैं माइनस हटा देता हूं और थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू। अगर ये कंडीशन आ गया तो इसके पास सॉल्यूशंस नहीं होंगे। बात समझ में आ गया बेटा लोग? अच्छा, अब इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं वो सोचिए। एक क्वेश्चन आपके सामने दिखा रहा हूं। क्वेश्चन है कि फाइंड के फॉर विच इक्वेशन इज, अच्छा गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। अब आपसे पूछ दिया गया, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया बेटा लोग? ये सॉल्यूशंस मैंने आपको बोल दिया कि बेटा ये है 3x plus 2y is equal to 6 and kx plus 4y is equal to 7। मैंने दो इक्वेशन बोला और बोला कि मुझे वो कंडीशन बताओ कि लाइन इन ये की इक्वेशन जो है इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब बेटा, अच्छा अब आपको सोचना पड़ेगा सर, दो वेरिएबल में इक्वेशन है मतलब मेरे को सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला फंडा सोचना है, वहां पे मेरे को इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं चाहिए। अगर सॉल्यूशन नहीं चाहिए मतलब सर स्लोप्स मेरे को क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। और स्लोप्स मतलब बेटा ए वन बाई, कंडीशन क्या था मेरा, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई थ्री बाई के इज इक्वल टू टू बाई फोर। बात समझ में आई? हाँ जी सर। अब यहाँ से क्या वैल्यू फाइंड कर लीजिए, क्या वैल्यू आ रहा है बेटा लोग, 12 बाई टू दैट इज 6। आंसर हो गया आपका k का वैल्यू 6। फॉर k इक्वल टू 6 दिस इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? यस सर। ऐसे पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इक्वेशन देगा, कुछ पैरामीटर दे देगा, बोलेगा भैया वैल्यू फाइंड करके दो। अब आप तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक आप इस वर्ड को नहीं जानते हो और इस वर्ड के बारे में सोचे नहीं हो। सर इनकंसिस्टेंट का मतलब सर सॉल्यूशन नहीं चाहिए, अगर सॉल्यूशन नहीं है मतलब सर लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, लाइन पैरेलल है, अगर लाइन पैरेलल है तो सर स्लोप सेम होंगे और स्लोप का फॉर्मूला a1 by माइनस ऑफ a1 by b1 इज इक्वल, ये है ना पहला माइनस ऑफ a1 by b1 माइनस ऑफ a2 by b2। मैंने इसको थोड़ा अच्छे से लिख दिया है कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2। लिखने का मकसद ये था कि कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट्स ऑफ x इज इक्वल टू कोएफिशिएंट्स ऑफ y, अगर सेम हो जाए तो इक्वेशंस क्या हो जाएंगे बेटा, लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अब वापस से बात आएगा, सर इनके पास सॉल्यूशन है तो मेरे मेरे मन में दो बातें होंगी सर, क्या होगी कि कितने हैं सर, अगर सॉल्यूशंस है तो सर कितने हैं, तो वापस से दो बातें होंगी सर यहाँ पे। एक क्या होगा बेटा लोग, वन सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा वन सॉल्यूशंस का मतलब क्या होगा, कि सर लाइन इंटरसेक्ट कर दे, और लाइन इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि सर लाइन पैरेलल नहीं होंगे। क्या अगर मैं आपके सामने ये कंडीशन लिखूं कि दिस इज द सफिशियंट कंडीशन टू गेट वन सॉल्यूशन, एंड वो कंडीशन है आपका ए वन बाई ए टू शुड नॉट बी इक्वल टू बी वन बाई बी टू। यस सर। सर वन तो सर लाइन पैरेलल नहीं होगा, अगर लाइन पैरेलल नहीं होगा इसका मतलब कि सर लाइन के स्लोप इक्वल नहीं होंगे, और स्लोप्स इक्वल नहीं होंगे तो सर यही तो आप करोगे। यस सर, लाइंस भी पैरेलल नहीं। बात समझ में आई सारे बच्चों को? यस सर। हां जी, अब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का मतलब, सर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का मतलब ये होता है कि लाइन लाइन के ऊपर ही आ जाए, मतलब सर दोनों लाइन सेम हो। लाइन लाइन के ऊपर कब आएगा, जब दोनों लाइन सेम हो। दोनों लाइन सेम का मतलब कि सर ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन सेम हो, और इनका इक्वेशन सेम होने का क्या लिख सकते हैं हम लोग, कंडीशन क्या लिख सकते हैं, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू। सर बी वन ही लिख दिया आपने। अच्छा बी वन ही लिख दिया, लो जी मैं बी टू लिख देता हूँ। बेटा लोग समझ में आया सारा चीज आप लोगों को? यस सर।
देखो जब तक आप चीजों को विजुअलाइज नहीं करोगे, ये आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगा, दो दिन बाद भूल जाओगे, लेकिन जैसा मैं आपको इमेजिन कर करके बता रहा हूं, अगर वो कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखोगे ना, तो ये कभी रिविजन करने की जरूरत नहीं रहेगी। क्लियर हो गया बेटा लोग कि नहीं? यस सर। बिल्कुल जी, बिल्कुल बेसिक से सोचे और लॉजिक से सोचे, मजे आएगा। yes. ये कौन है? तो छापेंगे, आज के लिए बस इतना ही, छाप लीजिए, छोड़ ये छोड़ दो, मैं मतलब नहीं छापो, बाद वाला काम नहीं, बाद वाला काम मतलब बाद में हो जाएगा, वो छापो जल्दी से, अच्छा रहेगा जब आप खुद से लिखोगे। बोलो बेटा। तो वो एक क्वेश्चन मैंने आपको भेजा था, वो साइन इनवर्स और साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। आपका नाम बेटा? मुस्कान। मुस्कान ने भेजा है साइन इनवर्स ऑफ, हाँ जी भेजा है बेटा आपने। हाँ जी सर, एक बार समझा देना। साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब वाला? यस सर। ठीक है, उसको समझा देता हूँ, ये लिख लीजिए, क्लास को बंद करेंगे, सारे बच्चे जिनको जाना रहेगा जाएंगे, जिनको रुकना रहेगा रुकेंगे, आपका डाउट सॉल्व करेंगे। ठीक है, छाप लो पहले इसको। रुक जाओ। हो गया? हाँ जी बेटा। रुक जाओ। अरे हाँ बिल्कुल।